यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अभी की चिंता अभी करो, बाद की चिंता मत करो, तो ज्यादा बटोरो नहीं यहाँ पे, प्रभु के काम के लिए दो, दूसरों के साथ उदार बनो। लेकिन उसी के साथ यीशु मसीह ये कहते हैं सातवें अध्याय से दूसरों पे दोष मत लगाओ। तुम दोष लगाओगे तुम पे भी दोष लगा जाएगा। ये मत कहो अरे वो ऐसा वैसा, तुम अपने को देखो, अपने आप को जांचो, अपने जीवन को परखो। व्हाई डू यू राइट ऑफ अदर पीपल, दूसरों को क्यों तुम ऐसी छोड़ देते हो, अपने जीवन को देखो। बल्कि उसके साथ अध्याय के सात पद से आगे, प्रभु जी से मांगो, प्रभु जी तुमको क्षमता देंगे आत्मिक जीवन जीने के लिए, प्रभु जी तुमको क्षमता देंगे धार्मिकता की खोज करने के। पहले उसके धार्मिकता की खोज करो, उसकी धार्मिकता उसके राज की खोज कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा उसकी धार्मिकता और राज की खोज। हम तो लगे हैं पैसे के चक्कर में खाली, हम तो लगे खाली नौकरी के चक्कर में, हम तो लगे खाली मकान बनाने के चक्कर में, हम तो लगे खाली बच्चों को पढ़ाई कराने के चक्कर में, हम तो लगे खाली यहीं पे इज्जत कमाने के लिए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हें खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। क्या मांगोगे, क्या खटखटाओगे, क्या ढूंढोगे? प्रभु जी आपके राज्य को हम ढूंढना चाहते हैं, प्रभु जी हम आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, प्रभु जी हम आपके लिए जीना चाहते हैं, प्रभु जी हमको धार्मिकता चाहिए। दीजिए प्रभु जी, प्रभु जी देंगे, क्योंकि वो अच्छे पिता हैं, वो तुमको धर्मी बनाएंगे, धार्मिकता में बढ़ाएंगे, अपने अपने जैसा बनाएंगे, यीशु मसीह की जैसा हम बनेंगे। उसकी सहायता, उसका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा उसके जैसे प्रतिदिन बनने के लिए। लेकिन मुश्किल जरूर है, इसलिए चुन लो किस तरह का जीवन चाहते हो। ऐसा जीवन जो सकरे मार पे जाता है ऐसे, और यहां ऐसा जीवन जो चौड़े मार पे जाता है। सकरे मार्ग पे जो जीवन जाता है वो कठिन है, मुश्किल है, परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन अंत में हम प्रभु जी के पास होंगे। जीवन के बाद का जीवन निश्चित है, पक्का है, वो हमारे साथ होगा, हम उसके साथ होंगे। इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। चौड़ा मार्ग आसान है, और संसार में अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग चौड़े मार्ग पे जा रहे हैं क्योंकि आसान है वो मार्ग, लेकिन विनाश की ओर लेके जाता है। अनंत काल के लिए हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, हम उसे हटा दिए जाएंगे, उसका क्रोध हमारे ऊपर होगा। तो चुन लो किस तरह का जीवन जीना चाहते हो, अभी का राम, अभी का छोटा, अभी का आसान रास्ता, अभी की खुशियां, यहीं के सपने, या फिर हमेशा हमेशा की खुशी प्रभु के साथ है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे झूठे शिक्षक आएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो हमको भटकाने की कोशिश करेंगे, जो हमको सकरे मार्ग से हटा करके चौड़े मार्ग की ओर लेकर जाएंगे। तो कैसे हम बचेंगे उनसे? प्रभु जी से प्रार्थना करो, वो तुमको बुद्धि देगा। प्रभु जी से प्रार्थना करो, वो तुमको समझ देगा। अपने आत्मा की भरपूरी के द्वारा तुम उनको उनके फलों से पहचानने पाओगे, तुम पहचानने पाओगे कौन सही शिक्षा दे रहा है, कौन गलत शिक्षा दे रहा है। जो आदमी कहेगा यहां पे भरपूरी है, यहां पे भरपूरी है, वो आदमी झूठा शिक्षक है। यहां पे भरपूरी के लिए प्रभु जी ने नहीं बुलाया हमको, वहां पे भरपूरी के लिए प्रभु जी ने बुलाया जीवन के बाद के जीवन के लिए। इस जीवन में तो कीमत चुकाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, अपना इनकार करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बीमारियां आएंगी, दिक्कत आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन चाहे जो भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु जी हमारे साथ है। कठिनाइयों में होकर के, विरोधों का सामना करते हुए, विपरीत परिस्थितियों में होकर के जाते हुए भी हम एक दिन सकरे मार्ग से होकर के अंत में फाइनली प्रभु जी के साथ में होंगे।